महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। अश्वत्थामा ने छल करके पांडवों के पांचों पुत्रों को मारना चाहा और मार डाला। दुर्योधन के पास ले गया, दुर्योधन बड़ा चिल्लाया, रोया और अंततोगत्वा कहने लगा, अरे अश्वत्थामा, तूने पांडवों को नहीं पांडव पुत्रों को मारा है, अब हमारे वंश में तूने पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। और दुर्योधन मारा गया, पांडव जीत गए, पांडवों की विजय हुई। आहा, अश्वत्थामा के माथे से मणि निकाली गई, अश्वत्थामा का मान मर्दन हुआ। आगे भगवान जब द्वारकापुरी जाने लगे, रथ के ऊपर पैर रखा, एक हाथ से रथ को पकड़ा, एक हाथ से भगवान सबको आशीर्वाद देते हुए मुस्कुराकर खड़े ही थे, तब तक अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा देवी दौड़ी दौड़ी रोती रोती आई, हे गोविंद, हे गोपाल, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हे ठाकुर, हमें बचाओ, हमको बचाओ। जहां रोती हुई आई, सोई भगवान चौंक गए, अरे कौन है? अरे ये तो पांडवों की पुत्र वधु है। पाही पाही महायोगेन देवो देवो जगतपते नान्यं त्वद् भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्वरम्। हे गोपाल बचाओ, क्या हुआ देवी? महाराज, मैं अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा हूं, मैं भी पति के साथ सती होना चाहती थी, लेकिन मेरे कोख में गर्भ पल रहा था, इसलिए मुझे सती होने से रोक दिया। महाराज, विधवा जीवन भी बेकार ही है। महाराज, लेकिन आज बड़ी आफत आई। भगवान बोले, क्या? कोई हमारे गर्भ को नष्ट करना चाहता। ठाकुर जी, मैं मरने से नहीं डरती, विधवा जीवन वैसे ही बोझ है, मैं कल मरती हूं, अभी मर जाऊं, अभी मर जाऊं, लेकिन गोपाल, हमारे बच्चे को बचा लो। देखो कितना अच्छा उपाय बताया भगवान से। क्या कहा? मैं मर जाऊं पर बच्चा बच जाए, और बच्चा तभी बचेगा, कोख में पलने वाला, जब मां जीवित रहे। अगर भगवान से वो ये मांगती कि महाराज मेरा कुछ ना बिगड़े, तो शायद भगवान ऐसा करते कि बच्चा जरूर शांत हो जाता, पर वो उत्तरा देवी जी बच जाती। लेकिन धन्य है उत्तरा देवी, महाराज मैं कल मरती हूं, अभी मर जाऊं, मेरा बच्चा बच जाए। आहा, ठीक है देवी। और आज तक भगवान गर्भ में नहीं गए ना, भगवान तो प्रकट होते। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान कभी गर्भ में नहीं जाते, भगवान तो प्रकट होते हैं। लेकिन धन्य है हमारी भारत की माताओं की यही शौर्यता है। आपने माताओं को देखा होगा महापुरुषों को कोख में पालते हुए, लेकिन भारत की एक ऐसी देवी हुई उत्तरा देवी, जिन्होंने केवल भक्त को ही नहीं अपनी कोख में पाला, भगवान को भी अपनी कोख में रखा। उत्तरा देवी की गर्भ में जो पल रहे वो कोई और नहीं, परीक्षित जी महाराज है। लेकिन भगवान जब बचाने गए, तो भगवान भी गर्भ में अंगूठे बराबर रूप धारण करके गए, और जहां अंगूठा बराबर रूप धारण करके गए, सोई भारत का पहला ऐसा भक्त है जिनको कोख में ही भगवान के दर्शन हो गए, वो श्री परीक्षित जी महाराज हैं। आहा, भगवान ने बचाया। वापस निकले भगवान, ठीक हो देवी? हाँ महाराज, अब तो तेज शांत, अब तो शांत है पीड़ा। बाद में कालांतर में भगवान फिर गए। आगे भीष्म स्तुति का वर्णन है, भीष्म गीता का वर्णन है भागवत में। समय कम है, इसलिए क्रम को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ेंगे। भगवान द्वारका गए, कई दिनों बाद अर्जुन लौटे, पांडवों को पता लगा, भगवान लीला करके संवरण करके चले गए। पांडव भी
उत्तरा के पुत्र जो बड़ा हो गया परीक्षित बना, उनको राजपाट सौंप करके पांडव भी चले गए। अब राजा परीक्षित जी हो गए। और एक बार महाभारत काल का स्मरण करते हुए परीक्षित जी अपने जीवन में पांडवों के राज्य को देखते हुए अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए बाहर निकले, तो क्या देखते हैं, एक काला पुरुष एक गाय को पीट रहा है, एक बछड़ा तीन पैर का वहीं पर खड़ा खड़ा रो रहा है। परीक्षित जी नाराज हो गए, कौन हो तुम और गाय माता को मारते हो, जिन गाय के पीछे गोविंद भागे तुम्हें शर्म नहीं आती है? तलवार निकाल कर वध करने के लिए तैयार भाई। आहा हा, उस काले काले पुरुष ने परिचय दिया, महाराज मैं कलयुग हूं, कलयुग। गाय माता से पूछा तुम कौन हो? मैं पृथ्वी हूं। बैल से पूछा तुम्हारे तीन पैर टूटे तुम कौन हो? महाराज मैं धर्म हूं, ये एक पैर बचा है। महाराज कलयुग के प्रभाव के कारण सिर्फ मेरे जीवन में दान बचा है। अच्छा, हाथ में तलवार लेकर के कलयुग को मारना चाहा तो कलयुग हाथ जोड़ के बोला महाराज मत मारो, भाग जा हमारे राज्य से, इस पृथ्वी पर जहां है वहां आपका ही राज है महाराज, कहां भाग जाए हम? ठीक है तुम्हें हम निवास स्थान दे देते हैं, वहीं रहना, बाहर मत निकलना वरना वध कर देंगे। चार जगह कलयुग के निवास के लिए परीक्षित जी ने दी, जरा ध्यान से सुनना, कौन कौन? धूतम पानम स्त्रियः सूना, पहला स्थान जहां जुआ खेला जाता हो, जिस घर के लोग जुआ खेलते हो कलयुग, वहां जाकर वास करो। दूसरा स्थान जहां पब्बा पिया जाता हो या बेचा जाता हो, जिस घर के लोग मदरा का पान करते हो, जाओ कलयुग उस घर में जाकर वास करो। तीसरा स्थान जिस घर का पुरुष लंपट अथवा स्त्री लंपट, लंपट का मतलब पतले नहीं, पर स्त्री पर पुरुष का गमन करने वाली और पुरुष पर स्त्री का गमन करने वाला घर में रहता हो कलयुग जाओ, ऐसे घर में जाकर के तुम निवास करो। चौथा स्थान जहां मांस बेचा जाता हो, जिस घर के लोग मांस खाते हो, ऐसे घर में जाकर के तुम निवास करो। आहा, चार स्थान कलयुग को दिए। कलयुग बोला महाराज जो स्थान दिए सब खराब खराब, कम से कम बैठका तो बढ़िया दे दो, मकान कितना भी खराब हो बैठका ठीक होना चाहिए। तो परीक्षित जी ने पांचवा स्थान स्वर्ण में दे दिया, सोने में जाओ, गोल्ड में जाकर रहो, सोने में। जितने भी विदिशा वाले कथा सुन रहे, जितना जिसके घर पे सोना रखा हो कल आकर कथा में चढ़ा देना, सब में कलयुग का वास है, हम सब पचा ले भी। बोलो सीताराम। तो आप कहोगे गुरुजी आपको सोना परेशान नहीं करेगा, कलयुग परेशान नहीं करेगा। सुना, कौन से स्वर्ण में कलयुग का वास है? जो चोरी का हो, डकैती का हो, छीन करके लिया गया हो, भाई से द्वेष करके सोना रखा गया हो, चोरी करके रखा गया हो, ऐसे स्वर्ण पर कलयुग बैठा हुआ है।